West Bengal has become a safe haven for bomb making, all type of antisocial activities. There are terrorist training camps, and certainly it will happen when the law machinery looks the other way because of their cheap vote bank politics. We are seeing those who should be protecting, they are themselves being attacked. We have seen recently that in Birbhum, the police station was put on fire. We have seen very recently in Kaliachak, Malda, the police station was ransacked and the law machinery couldn't do anything because the orders from the top, which is the TMC government, says that you cannot act and the police cannot act. So therefore, this kind of unlawful activity is happening in West Bengal. कलकत्ता में जो हो रहा है ये बहुत ही चिंता का विषय है. किसी जमाने में कहा जाता था कि जो कलकत्ता आज सोचती है वो हिंदुस्तान कल सोचता है. उस महान परंपरा का, उस महान बंगाल को जिस प्रकार ममता बनर्जी जी ने अपने कुशासन के कारण आतंक के गर्त की तरफ वो धकेलते जा रही है, वह अपने आप में चिंतनीय है. ये पहली घटना नहीं है. बीरभूम में जो बम बनाते हुए धमाका हुआ, लोग भी मारे गए और सच्चाई जनता के सामने आई. कई बार ऐसे काम बंगाल में हो चुके हैं. बम खुलेआम बनाए जा रहे हैं. आखिर ये बम क्यों बनाए जा रहे हैं? किसको उड़ाने की साजिश है? बंगाल में किस प्रकार से आतंकवाद अपना पैर पसारे जा रहा है? क्या किसी प्रकार से ममता बनर्जी को कोई चिंता है? मालदा जैसे इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिसका नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट लेना देना है, और जब ममता बनर्जी जी से पूछा जाता है तो वो कहती हैं इस विषय में कोई बात नहीं करो. आखिर कब तक इन सब बातों को छुपाना है? आखिर बंगाल को हमें क्या बनाना है? यह बंगाल की जनता भी पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं. आखिर ममता बनर्जी चुप क्यों हैं?